क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का ये सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। और ये सिक्स्थ पार्ट नहीं, ये फिफ्थ पार्ट है, और इसके बाद ये आएगा सिक्स्थ पार्ट, ठीक है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके पास, बाकी पहले क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, आपने देख रखा होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो कैसे करना है देखो बेटा, पहले तो ये क्वेश्चन प्रॉपर बनाएंगे, ठीक। सो फ्रॉम फर्स्ट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हो, जो एक्स वाई है ना अपॉन में वो अलग अलग ले लेंगे हम, इसके अपॉन में एक्स वाई, इसके अपॉन में एक्स वाई, और इधर तो फाइव है। सो देखो बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पर, सेवन अपॉन वाई, टू अपॉन एक्स इक्वल्स टू फाइव। ये है एक्चुअल का इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, एट एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस सेवन एक्स अपॉन वाई, इधर माइनस के टू है। सो बट एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ बचा एट अपॉन वाई, और इधर बच रहा है आपका सेवन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस के टू। ये है आपका प्रॉपर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक समझने में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अब आप देखो बच्चों, अब आपको देख रहा है सिमेट्री, इसके अपॉन में वाई है, इसके अपॉन में वाई है, इसके अपॉन में एक्स है, इसके अपॉन में एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। लेट वन अपॉन वाई इक्वल्स टू ए एंड वन अपॉन एक्स इक्वल टू बी, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा। देखो प्रॉपरली हम लिखते कैसे हैं आपको पता ही है, सेवन वाई को हम लिख सकते हैं सेवन इंटू वन अपॉन वाई, टू अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू इंटू ये चीज़ और ये फाइव। वन अपॉन वाई को आप ए मान रहे हो और वन अपॉन एक्स को आप बी मान रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा सेवन ए माइनस के टू बी इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर इसे हम मान लेते हैं थर्ड, ठीक। फ्रॉम सेकंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बेटा, एट ए सेवन बी इज इक्वल्स टू माइनस के टू, है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा बेटा मैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन, इसे हम बोल देते हैं फोर्थ, ठीक। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं बेटा, इजी रहेगा, कौन सा, दोनों ही सेम टू सेम टाइप के हैं। इसको बी को लिमिट करो, इधर टू से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ सेवन, इसमें सेवन से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन ए, सेवन टू जो फोर्टीन बी, और सेवन फाइव जो थर्टी फाइव। टू से मल्टीप्लाई करेंगे, आठ दूनी सिक्सटीन सोलह, सेवन सेवन जो सॉरी सेवन टू जो है ना, सेवन टू जो फोर्टीन बी एंड टू टू जो माइनस की फोर। अपोजिट साइन है, प्लस माइनस ऐड करेंगे, नौ छः फाइव, तो ये हो जाएगा सिक्सटी फाइव आई गेस, है ना, सिक्सटी फाइव ए, और यहाँ पे आ जाएगा थर्टी वन। एक सेकेंड, सही हो रहा है, हाँ। सो ए की वैल्यू आ जाएगी थर्टी वन अपॉन सिक्सटी फाइव, ठीक। ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू उठा के आप कहीं पे भी रख दो, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है और कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक। सो हम रखते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दे रहे पहले थर्ड में, सिंस सेवन ए माइनस के टू बी इक्वल टू फाइव है, तो ए की वैल्यू आई है थर्टी वन अपॉन सिक्सटी फाइव, प्लस के फाइव इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस के टू बी इधर आके प्लस का टू बी हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, सिक्सटी फाइव, सेवन वन जो सेवन, सात या इक्कीस, माइनस के फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, कैरी टू, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी और टू थर्टी टू।
माइनस करेंगे, ठीक है, 325 में से आपको माइनस करना है कितना, 217, 325 माइनस के 217, तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 98 अपॉन 65। टू भी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 2, 9 ज़ा 18, 49 अपॉन 65, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन एक बार देख लेना सही है कि नहीं, है ना बेटा। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, बस हमें क्या करना है, सॉल्व ही करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना। ए और बी की वैल्यू निकल गई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। देयर फोर 1 अपॉन एक्स को आपने ए बोला था, और ए की वैल्यू कितनी है ये बेटा, ए की वैल्यू आई है 31 अपॉन 65। तो रेसिप्रोकल कर दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 31, एंड 1 अपॉन वाई को आपने बी लेट किया था, बी की वैल्यू आई है 49 अपॉन 65। रेसिप्रोकल कर देंगे, 65 अपॉन 49 आ जाएगा आंसर इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सिमिलर प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ हमें सिंगल डिजिट चाहिए हो रहा है और यहाँ पर भी हमें सिंगल डिजिट चाहिए हो रहा है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स चाहिए होते हैं, एक्स वाई वगैरह नहीं चाहिए होता है, तो उसको हटाना है। तो देखो बेटा, सो फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, हटाने के लिए डिवाइड दोनों तरफ काम करना होता है, एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक, सो आप देखिए बच्चों, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, बचा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स वाई कैंसिल। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया प्रॉपर वे में। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, एक्स वाई ठीक कैंसिल आउट होगा, एक्स से एक्स, वाई से वाई, एक्स वाई से एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई, 4 अपॉन एक्स और ये 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर प्रॉपरली सेकंड। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना आता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना आता है। अभी हमने ये बन गया एकदम इजी। देखो, इसके अपॉन में वाई है, इसके अपॉन में वाई है, इसके अपॉन में एक्स है, इसके अपॉन में एक्स है, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी तो किया तुमने। लेट 1 बाई वाई को आप ए लेट कर लो एंड 1 अपॉन एक्स को आप बी लेट कर लो। देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 6a + 3b इज इक्वल टू 6। ठीक, एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 2a + 4b इक्वल टू 5। क्लियर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, इनको हम सॉल्व करेंगे। सो देखो बेटा, इसको 6 बनाना आसान है, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उस ऊपर वाले में कुछ किया ही नहीं, 6a + 3b = 6। इसमें जब 3 से मल्टी करेंगे, 3 2 ज़ा 6a, 3 4 ज़ा 12b और 5 3 ज़ा 15। सेम साइन है, माइनस करेंगे, माइनस करने पे बेटा देखो ये सेम साइन है ना, 6 है, 6 से प्लस के, तो माइनस करना पड़ेगा। सबट्रैक करते हैं, और सबट्रैक करने पे साइन चेंज होता है नीचे का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9b,
पंद्रह में से छः माइनस करेंगे तो नाइन, नाइन वन जा नाइन, सो बी की वैल्यू आ गई वन। बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, सिंस टू ए प्लस फोर बी आपका फाइव है, बी की वैल्यू है वन, सो टू ए प्लस फोर इक्वल टू फाइव, प्लस का फोर इधर के माइनस का हो जाएगा, वन बचेगा, टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ए की वैल्यू भी हमें मिल गई, सिंस वन अपॉन वाई को आपने ए बोला था और ए की वैल्यू आई है वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई वन जा वन, टू वन जा टू, सो वाई की वैल्यू टू, एंड वन अपॉन एक्स को आपने बी लेट किया था और बी की वैल्यू आई है वन, वन के अपर में कुछ नहीं था बेटा वन मान लो, एक्स वन जा एक्स, वन वन जा वन, ये आपका आंसर आ जाएगा।